वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस को मनाते हुए ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा भी 75वें स्वतंत्र दिवस को मनाने के भागरूप डांडे बाजार लकड़ी पुल स्थित कांग्रेस कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। विविध विस्तारों में घुमाने के साथ बाद पुनः कांग्रेस कार्यालय पर ये तिरंगा यात्रा का समापन किया गया, जिसके बाद कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने परंपरा के मुताबिक ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वडोदरा शहर कांग्रेस के प्रमुख प्रशांत पटेल के हाथों ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन करते हुए इस मौके पर कांग्रेस पक्ष के नेता विपक्ष के नेता अमीबेन रावत, वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव सहित कांग्रेस के कई कॉर्पोरेटर और कई महानुभव उपस्थित रहे थे। तमाम धर्म प्रांत ना लोगों ने आज 75वें स्वतंत्रता दिन निमित्त तमाम लोगों ने शुभेच्छा पाठू छू। भारत देश आजाद थया पछी अने भारत देश ने आजाद करनार एमा केटला स्वतंत्र सेनानीओ केटला राष्ट्रीय नेताओं, महात्मा गांधी की बात करिए, नेहरू जी की बात करिए, सरदार वल्लभ भाई की बात करिए, सुभाष चंद्र बोस की बात करिए, मौलाना आजाद की बात करिए, एवं अनेक देश प्रेमीओं पोता जीवन देश माटे समर्पित करियो। तारे भारत देश ने आजादी मड़ी, आजादी मड़िया बाद देश माटे बहु मोटी समस्या थी कि देश अंग्रेजों की आजादी पछी जे देश में एक टाकनी नती बनी थी अने देश ने आज तमे जुओ विश्व में भारत देश की आज नामना थाय छे। आजादी पछी शिक्षण क्षेत्र की बात होय, उद्योग क्षेत्र की बात होय, खेवाड़ा मानस ने अधिकार की बात होय, आ तमाम माटे कांग्रेस नेतृत्व हमेशा लोकशाही दबे शासन कर्युं। वर्तमान परिस्थिति जेनुं पण शासन होय पण आज ए दिवस याद करवानी जरूर छे कि जे लोग आजादी की लड़त में पण नता जोड़ाया अने आजे आ 75मो राष्ट्र स्वतंत्रता दिन निमित्ते अने जारे जारे आजादी 15मी ऑगस्ट होय छे त्यारे सर्व धर्म सर्व जाति सर्व पक्षों एक थईने भारतनु राष्ट्रगीत गाय छे। आ एक भारत देशनी परंपरा छे अने तमाम लोको ए परंपराने स्वीकारता आया छे अने अमने गर्वथी महसूस करीए छे कि अमे ए कांग्रेस पार्टीना सैनिकों छे जेने देशने आजाद कर्यो हतो। वर्तमान परिस्थितिमां शासकोने अमारी नम्र विनंती ए छे कि जे लोकोए પોતાનું લોહી રેડીને આ દેશને આઝાદ કર્યો હોય તો લોકશાહી જીવંત રાખજો, લોકોને અધિકાર આપજો, કારણ કે ભારત દેશની જે ઓળખ છે એ ઓળખ હંમેશા વિશ્વમાં નામના મેળવાની સાથે સાથે લોકો ગર્વથી ભારતીય મહેસૂસ કરે કે આ ભારત દેશ મારો દેશ છે અને લોકશાહી અમારા દેશમાં જીવંત રહે છે। એ વિશ્વમાં આપણી જે ઓળખ છે એ હંમેશા પરંપરાગત યથાવત રહેવી જોઈએ। એમાં સૌ આપણે 130 કરોડ જનતા લોકશાહી જીવંત રાખવામાં સહકાર આપે આજના દિન નિમિત્તે હું લોકોને એ જ અપીલ કરું છું। જય હિન્દ, જય ભારત।